हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिस्किट केक रेसिपी। ये मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ये केक बनाया है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगेगी। हमें चाहिए पाउडर शुगर, वार्म मिल्क, इनो, और मैं पार्ले जी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम बिस्किट को तोड़ लेंगे, बाद में ग्राइंडर में डालेंगे ग्राइंड करने के लिए। सारे बिस्किट तोड़ लिए हैं मैंने, अब ये हम मिक्सर की पॉट में डालेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, बिस्किट अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं, अच्छी पेस्ट बन गई है। अब मैं इसे निकालूंगी। अब हम इसमें पाउडर शुगर डालेंगे, 6 चम्मच लिए हैं मैंने। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें वार्म मिल्क डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। फ्रेंड्स, बैटर अच्छे से स्मूथ हो गया है। ये बैटर बनाने के लिए हमें 1 बाउल वार्म मिल्क लगा है। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच इनो मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस कंटेनर में हमें केक बनाना है उसे ऑयल और आटे से अच्छे से ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। अब ये जो बैटर है केक का वो इसमें डालेंगे। बैटर मैंने कंटेनर में डाल दिया है, अब इसे टैप करेंगे ताकि जो एयर होगी वो इजीली निकल जाएगी। ये केक मैं प्रेशर कुकर में करने वाली हूँ। अब विसल और रिंग मैंने निकाल ली है। अंदर हम प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर कंटेनर रखा है। अभी हम इसे ढक लेते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है। यह हमें 25 या 30 मिनट्स तक रखना है और गैस हमें मीडियम या लो फ्लेम पे ही रखना है। फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो गए हैं, मैंने गैस भी ऑफ कर दिया है। अभी हम प्रेशर कुकर को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखेंगे। फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी हम चेक करेंगे चाकू डाल के। चाकू क्लियर आया है, मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। केक बेक होने के लिए हमें 30 मिनट्स लगे हैं और मैंने मीडियम फ्लेम पे गैस रखा था। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पॉट निकाल के लिया है। अभी हम कॉर्नर से इसे लूज करेंगे ताकि ये पॉट में से इजीली निकल जाए, चिपक ना जाए। अब हम इसे निकालेंगे। थोड़ा टैप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना स्पॉन्जी बना है। अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी।
ये देखिए, फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।